हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक कार्ड कंप्लीट कर लिया था और हमने सीख लिया था कि किस तरीके से हम एपीआई से डेटा गेट करेंगे और अपने यूआई पे शो करवाएंगे। तो हम शो करवा चुके थे, हमने एक कार्ड भी कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से इन कार्ड्स पर फिल्टर लगाएंगे। इन कार्ड्स पर मतलब जो भी हमारा ये प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, इसके ऊपर हम फिल्टर्स लगाना चाहते हैं। कि आपने बहुत सारी साइट्स में देखा होगा कि हमें सिर्फ वह आइटम चाहिए जो कि $10 से कम वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक है ओपना वुमेन्स शॉर्ट्स, जो कि है $60.95, $7.95 की है, जो कि $10 से कम है। और वहीं यहाँ पर एक और, यहाँ पर $9.85 की यहाँ पर एक और आइटम है हमारे पास। तो मुझे वो आइटम्स चाहिए जो कि $10 से कम के हैं। और मुझे दूसरा फिल्टर लगाना है कि वो आइटम चाहिए जो कि $20 से ऊपर के हैं। तीसरा फिल्टर लगाना है जो कि $50 से ऊपर के हैं। और चौथा फिल्टर लगाना है कि जो $10 और $30 के बीच के हैं। ठीक है, तो आज हम ये अचीव करेंगे। इसके लिए मैं एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा और ड्रॉप डाउन बना के उसके थ्रू हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि किस बेस पे हमें फिल्टर करवाना है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस कार्ड की मैंने स्टाइलिंग चेंज करी है लास्ट वीडियो से। सो मैं सबसे पहले स्टाइलिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये कलर चेंज करा है पूरी साइट्स का। मैंने साइट का एक कलर चेंज कर दिया, जो भी बैकग्राउंड कलर है जो बटन पर दिख रहा है। ऊपर से मैंने ये जो बटन का होवर इफेक्ट है ये यहाँ पर लगा दिया है। और हर एक इमेज को मैंने एक मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट दे दी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में क्या था, कोई इमेज बड़ी आ रही थी, कोई इमेज छोटी आ रही थी। तो मैंने ये मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट और विड्थ सेट कर दिए इनकी। बस स्टाइलिंग में बस इतना ही करा। और ये दिखा देता हूँ कि हमने किस तरीके से डेटा गेट करा था। हमने यहाँ पे एक गेट डेटा फ्रॉम एपीआई नाम का एक फंक्शन बनाया था, जिसको कि यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम फिल्टर बनाते हैं। फिल्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले सेलेक्ट कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट क्या होता है, एक ड्रॉप डाउन होता है हमारे पास, जिसके अंदर अभी मैं इंडेक्स डॉट जीएस फाइल बना लेता हूँ और एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बना लेता हूँ। स्टाइल्स डॉट सीएसएस। हाँ, सो हमें पता है कि हम बॉयलर प्लेट कैसे ले सकते हैं। ये ले ली हमने बॉयलर प्लेट, इसके अंदर हम है सेलेक्ट। तो ये कंपोनेंट रियूजेबल रहने वाला है, आप इसे जहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर एक चीज़ को कंपोनेंट बनाकर शो करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक बना दिया और मैं इसका नाम इसको तो दे देता हूँ मैं सेलेक्ट कंटेनर क्लास नेम, सेलेक्ट कंटेनर। ओके, इसके अंदर मैं लूँगा एक सेलेक्ट जो कि हमें एचटीएमएल प्रोवाइड करवाता है सेलेक्ट। इसके अंदर एक और चीज़ लेने वाला हूँ मैं, इसके अंदर लूँगा ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन लिए। और ऑप्शन में सपोज अभी के लिए क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ लेस देन 10, लेस देन 10 और मोर देन 20, मोर देन 50 और 10 और 20 और 50 के बीच में जितने भी हैं। और चौथा फिल्टर मैं लूँगा ऑल, ठीक है, ऑल बाय डिफ़ॉल्ट शो होने वाला है, यस। इसको मैं स्टाइलिंग के लिए क्लास नेम दे देता हूँ मैं सेलेक्ट फिल्टर, और इसको मैं नाम दे दूँगा इन सभी को मैं नाम दे देता हूँ क्लास नेम फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर ऑप्शन। सब के अंदर डाल देता हूँ मैं, यस, क्या हो रहा है, यस।
अभी ये हमने यूज़ नहीं करा, तो मैं इसे पहले यूआई पे दिखाने के लिए यहाँ पर एक बना लेता हूँ हेडर, डिफ, और इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सेलेक्ट को, और इंपोर्ट करना ना भूलें। ठीक, इसके बाद मैं इसका क्लास नेम दे देता हूँ हेडर। अभी ये यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, इसकी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है एप डॉट सी एस एस में, तो मैं इसको यहाँ से उठा देता हूँ और अपनी जो ऐप इस कंपोनेंट की जो सी एस एस फाइल है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और इस सी एस एस फाइल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट दैट स्टाइल डॉट सी एस एस, या सो स्टाइलिंग हमारी आ चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पे ऑल लेस देन मोर देन 50 एंड 20 to 50, और आप जितने फिल्टर लगाना चाहें उतने फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें रीयूजबल बनाना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑप्शंस जो हम ले रहे हैं ये हम कंपोनेंट के थ्रू मंगाएंगे एक एरे में। ठीक, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से जाता हूँ और एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट फिल्टर, फिल्टर डेटा, और ये एक एरे रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें एक आईडी जाएगी, आईडी रहने देते हैं अभी। अभी देते हैं सबसे पहले लेबल, लेबल है हमारा लेस देन 10, और इसकी एक वैल्यू रहने वाली है लेस देन 10, देन इसकी एक वैल्यू रहेगी, वैल्यू जो कि रहेगी लेस देन 10। ओके, ये हो गया, और ऐसे ही हमारे पास सारे आइटम्स रहेंगे। ओह सॉरी, यस, यहाँ पे आ गया मोर देन 50, और यहाँ पर दे देते हैं हम 20 to 50, और ये भी 20 to 50, और यहाँ पर ऑल, यहाँ पर ऑल, डेटा बन चुका है, और मैं यहाँ पर इसको पास कर दूंगा इस सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर, तो डेटा इज इक्वल्स टू मैं दिस, ये मैंने प्रॉप्स पास कर दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैं गेट कर लूँगा डेटा को, और क्या करते हैं यहाँ से सबको हटाते हैं, सबको हटा देता हूँ, और यहाँ लगाएंगे डेटा डॉट, डेटा डॉट मैप, मैप के अंदर हम इन ऑप्शंस को क्या करेंगे पास करेंगे, तो आइटम, और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे, क्या रिटर्न करवा देंगे ऑप्शन, ऑप्शन जिसके अंदर हमारी एक कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है हमारे पास आइटम डॉट लेबल, और इसकी भी वैल्यू होगी वैल्यू लेबल को आइटम डॉट वैल्यू, इसकी एक क्लास नेम थी, क्लास नेम थे हमारे पास फिल्टर ऑप्शन। और एक बार देख लेते हैं, यस, सो ये अभी भी ऐसा ही दिख रहा है हमें जैसा कि हमें दिखना चाहिए था। यस, रिफ्रेश करा, देन 10, ओके, ऑलराइट, तो स्टार्टिंग में हमें सभी के सभी ऑल आइटम्स देखेंगे यहाँ पे, जो कि सही है एकदम। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये सही लगे थोड़ा बहुत हेडर में, पैडिंग 20 10 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स,
और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसे RGB 39 39 39 0.5। ओके कलर नहीं लगा है, सॉरी फॉर दैट। कलर लग चुका है, मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ बस थोड़ा सा टाइम। या 16 16 43, 16 16 43। ओके और इसका थोड़ा ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ मैं इसकी 0.8। या अभी ठीक दिख रहा है। सो जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, इसके लिए मुझे जो मैंने कंपोनेंट बनाया है उस पर ऑन चेंज हैंडलर भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऑन चेंज और यहाँ पे ऑन चेंज कर देंगे, ठीक। और इसको मैं यहाँ से रिसीव कर लूँगा, जो भी मैं फंक्शन यहाँ से भेजूँगा वो यहाँ रिसीव हो जाएगा। और मैं यहाँ से भेज देता हूँ एक कॉन्स्ट हैंडल फिल्टर, ठीक है। हैंडल फिल्टर नाम का फंक्शन मैं भेज दूंगा यहाँ से, और कंसोल करवा दूंगा जो भी मुझे इवेंट मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग ई इवेंट मैं यहाँ से रिसीव करूँगा और इसको कॉल करवा देंगे इसके ऑन चेंज पे, ऑन चेंज। और ये अभी देखते हैं ये हमारा चल रहा है या नहीं, ठीक है। कंसोल देखा करवाते हैं, क्लियर करता हूँ सबसे पहले, लेस देन 10 और ये हमें मिल गया है इवेंट। और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू देखते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये वैल्यू वो रहने वाली है जो कि हमने जो हमने फिल्टर वाला डेटा बनाया था उसके अंदर वैल्यू बनाई थी, ठीक है। लेस देन 10, मोर देन 10 और 20 to 50 एंड ऑल, यस। तो सारा हमारा सेटअप हो चुका है, डिज़ाइन बन चुका है, अब हम फंक्शनैलिटी लगाते हैं। तो जब भी हम फिल्टर या सर्च लगाते हैं तो हमें ना एक डेटा स्टोर करवाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम फिल्टर चलाएंगे और सेम स्टेट में डेटा को सेट कर देंगे तो वो हर बार क्या है, जैसे मैंने एक बार चलाया ये वाला लेस देन 20 to 50 चलाया, इसके अंदर सपोज मेरे को 3 आइटम्स मिले, ये 3 ऊपर वाले आइटम्स मिल गए, तो अगली बार जब मैं फिल्टर चलाऊंगा ना वो सिर्फ इन 3 आइटम्स में से ही ढूंढेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमें डेटा 2 स्टेट में सेट करवाना होता है जब भी हमें फिल्टर या सर्च लगाना हो तब। तो मैं इसके लिए एक स्टेट बना लेता हूँ, सेट फिल्टर डेटा और यहाँ पे फिल्टर डेटा, फिल्टर्ड डेटा, इसे भी मैं यही नाम दूंगा कन्वेंशन के लिए। ओके सो अभी हम क्या है, प्रोडक्ट्स को ना यूज करके हम फिल्टर्स डेटा को यूज करेंगे, और अभी तक हमारा फिल्टर डेटा सेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इस फिल्टर डेटा को जिस ताकि इसमें सारा का सारा डेटा आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट लगाऊंगा और यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इसे भी एक बार चलाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर इफ हमारे पास प्रोडक्ट डॉट लेंथ है तो क्या कर दो, सेट फिल्टर डेटा में प्रोडक्ट्स को सेट कर दो, ठीक है। आप चाहें तो ये डायरेक्ट यहाँ पे भी करवा सकते हैं यहाँ पे, सो मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, वरना आप चाहो तो इसे यहाँ पर भी सेट करवा सकते हो और यहाँ पे भी करवा सकते हो। चलो मैं यहाँ यहाँ पर ही करवा देता हूँ डेटा, अब भी ये एकदम सही से वर्क करेगा, और अगर मैं यहाँ पे करवा देता हूँ तब भी ये एकदम सही वर्क करेगा। ओके सारा का सारा डेटा आ चुका है मेरे मेरे पास,
ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यू मिलने वाली है वो मैं कंसोल में देख पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करवाना, सेट फिल्टर डेटा में क्या सेट करवाना, जो भी मेरा ये हैंडल फिल्टर मुझे देगा, तो मैं इसे डेटा फिल्टर फिल्टर्ड ये लिख देता हूँ, फिल्टर्ड, ठीक है। और कॉन्स्ट फिल्टर्ड में क्या आने वाला है, इसमें आपको फिल्टर डेटा से फिल्टर नहीं करना है, ये नहीं लिखना है फिल्टर फिल्टर डेटा डॉट फिल्टर, नहीं, क्योंकि फिल्टर डेटा में तो हर बार चेंज होएगा, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट्स से निकालना है, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। और या और यहाँ पर क्या करना, रिटर्न आइटम, जो भी मेरा ये आइटम मिलेगा ये आइटम, ठीक है। अभी फिल्टर काम नहीं करेगा, अब हमें फिल्टर के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी लिखनी होगी, आप चाहें तो स्विच केस लिख सकते हैं, नहीं तो इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ जो मेरा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है वो इक्वस टू है किसके, लेस देन 10 के, एक तो ये कंडीशन हो गई हमारी, एक कंडीशन हो गई जो कि ग्रेटर देन है 50 के, एक कंडीशन हो गई हमारी जो कि 20 से 50 के बीच की वैल्यूज हैं, ओके। तो यहाँ पर हम else if लगाएंगे, else if, else if, और एक हो गई else कंडीशन, else return item, जो कि all की कंडीशन हो गई। अब हमें यहाँ से रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि रिटर्न कर दो आइटम डॉट वैल्यू, आइटम डॉट प्राइस, प्राइस लेस देन 10, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी 50 के लिए है, तो 50 के लिए क्या होगी, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50। तीसरी कंडीशन क्या होगी, एक तो ग्रेटर देन 20 हो और एक एंड लेस देन 50 हो, ये हमारी चार कंडीशन बन गई। और यहाँ से हमने डेटा सेट करवा दिया। अभी देखते हैं, थोड़ा वैल्यूज़ में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वैल्यूज़ की स्ट्रिंग शायद मैंने मैच नहीं करी हूँ। 10 से करा, जितने भी मेरे 10 10 डॉलर से कम वाले आइटम्स थे, यहाँ पर तीन आइटम्स थे तो तीन के तीन आइटम शो हो गए, ठीक है। मोर देन 50 करता हूँ, मोर देन 50 वाले हमारे इतने सारे आइटम्स थे वो हमारे शो हो गए। अब 20 से 50 तक के देखता हूँ, 20 से 50 22.3, 29.95, 39.95, कोई भी 9 से बड़ा नहीं है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, ऑल पे हमारे सारे आइटम्स शो हो जाएंगे। सो, इस तरीके से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आने वाली वीडियो में हम सर्च फिल्टर लगाएंगे, जिसमें कि मैं यहाँ पर एक सर्च फील्ड बनाऊँगा और जिस पे आप कुछ भी मतलब टाइप करोगे, टाइप करने पे आप वो आइटम फिल्टर कर पाओगे, ठीक है। सो, अभी के लिए इतना ही, और बता देना कि ये ई कॉमर्स कैसी लग रही है अभी तक। रिएक्ट, प्रैक्टिकल रिएक्ट की सीरीज में आज ये प्रोजेक्ट वाली वीडियो है, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट ही चल रहा, तो नेक्स्ट में मैंने बता दिया कि हम यहाँ पर सर्च फिल्टर लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।